Hello guys, welcome back to my YouTube channel Trade with Alok. In this video we are going to talk about the competition which is organized by the funding PIP. So today is day one of the competition. So हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लीडरबोर्ड हमारा रैंक क्या रहा है और हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है, कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स होने वाले हैं, या फिर मैच ट्रेडर का जो प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए वहाँ पे कौन मतलब कि उसके टेक्निकल यूसेज कैसे कैसे हैं, चार्ट्स वहाँ पे कैसे यूज करना है, या फिर ग्लोबल कौन कौन से पेयर्स जो हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं उसमें ट्रेड करना है, या फिर हम सारे पेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में हर एक चीज को जानेंगे, यहाँ पे कोई भी चीज को हम यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा एंड ऑफ द वीडियो में कि मेरा रैंक अभी क्या रहा है। ठीक है, टोटल लगभग यहाँ पे 25,000 टू 26,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, आउट ऑफ विच अभी हमारा क्या रैंक चल रहा है मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना ताकि आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस मत करना। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, दिस इज द चार्ट गाइस, यहाँ पे आप यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। ये मैच ट्रेडर का जो प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है जो फंडिंग पिप का ही है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग हर एक चीज को जानेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा आईडी है यहाँ पे, ये जो आईडी नंबर है ये आपका आईडी नंबर है, जहाँ पे आप एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आप समझ सकते हो इसे। एंड हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे सिंबल्स दिया गया है इसका मतलब क्या है। ये सारे पेयर्स हैं, दैट इज यूरो यूएसडी ग्लोबल, दैट इज द ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, देन ये गोल्ड का ट्रेड है, फिर सिल्वर है, देन फिर उसके बाद आपका जैपनीज येन है, तो आपका सारे यहाँ बीटीसी है, बीटीसी में भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके हर एक चीज को मैं बताऊंगा। अभी आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये उसके बाद का सिंबल, दैट इज प्राइस का सिंबल बता रहा है, एंड उसके बाद स्प्रेड्स बता रहा है, एंड देन चेंजेस, यानी कि चेंज में इसका मतलब बता रहा है कि ये कब ओपन होगा। अभी क्लोज है ये सेशन, अभी क्लोज है, उसके बाद ये ओपन होने वाला है, दैट इज 13 आवर्स के बाद ये ओपन हो जाएगा। एंड जो उसका गोल्ड का सेशन है वो 14 आवर्स के बाद ओपन होगा, एंड उसके बाद आपका दैट इज यूरो का सेशन है, दैट इज वो आपका 13 आवर्स के बाद ओपन हो जाएगा। तो स्टिल अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज करोगे। आखिर मैं इस प्लेटफॉर्म पे कैसे आया और इसके ऊपर मतलब कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है जो आप वहां पे देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके हर एक चीज को समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको यूरो यूएसडी में ट्रेड करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है इस तरह से। ठीक है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आपको क्या करेगा, चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, चार्ट इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, अगर आपको चार्ट्स को बड़ा करना है, आप सिर्फ और सिर्फ यूरो यूएसडी के चार्ट को ही देखना चाहते हो एंड इन सभी चीज को एलिमिनेट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर में आपको एरो दिख रहा होगा, दैट इज फोर डायरेक्शनल एरो, इस पे क्लिक करना है। अब आप देखो यहाँ पे टोटली आपको यहाँ पे चार्ट्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दैट इज बाय एंड सेल। अगर आपको यहाँ पे बाय करना है, दैट इज आपको लग रहा है कि यूरो यूएसडी इंक्रीज करने वाला है, दैट इज आप यहाँ बाय पे सिग्नल पे क्लिक कर सकते हो, देन आप सेल पे सिग्नल पे भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, एंड आप इस तरह से यहाँ पे दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको दैट इज ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा है, लाइन एंड ग्राफ लगाना है, तो आप इस तरह से लाइन एंड ग्राफ भी लगा सकते हो, बट कैंडल स्टिक फेवरेट है सबका। एंड आप यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो इस तरह से। एंड उसके बाद ये आपको एफ फंक्शन एक्स दिख रहा होगा, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप इस तरह से बॉलिंजर बैंड, जितना भी दैट इज कमोडिटी चैनल, इचिकुमुगो क्लाउड, एमएसएडी, मोमेंटम, मूविंग एवरेजेस, पैराबोलिक एसएआर, आप हर एक तरह के इंडिकेटर्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, देन सेटिंग्स है, आप ग्रिड्स को हटाना चाहते हो, प्लेन लाना चाहते हो, प्लेन भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दैट इज ये जो भी फंक्शंस थे, मैं इस वीडियो में आपको फंक्शंस को समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो ट्रेडिंग करने के टाइम। ठीक है, और मैं क्या चीज समझाने लायक है, एंड आपको मैं एक और चीज बता दूं, जैसे आप यहाँ से मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप इसे मिनिमाइज कर दो। एंड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सेशन कब ओपन होगा एंड कब क्लोज होगा, वो हर एक टाइम आपको यहाँ पे देना मतलब दिखाता रहेगा। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे टॉप मूवर्स में जाओ तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा टॉप मूवर्स कौन कौन से हैं, दैट इज अभी यूरो न्यूजीलैंड का डॉलर चल रहा है, दैट इज न्यूजीलैंड कैनेडियन चल रहा है, यूएस ऑयल चल रहा है, तो आपको यहाँ पे फिर कैलेंडर दिखेगा, कैलेंडर भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टॉप मूवर्स देख सकते हो, एंड आपको इसे एलिमिनेट करना है तो आप इस तरह से इसे एलिमिनेट करके सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को देखो जिससे आपका जरूरत है। ठीक है, आप इसे ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो, जैसे मुझे बीटीसी में ट्रेड करना है, मैं बीटीसी में डेट इज ओपन करूंगा एंड यहाँ पे मेरा बीटीसी का चार्ट ओपन हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, एंड आपको ऊपर दिख रहा होगा डेट इज ये वाला पार्ट, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट मेरा बैलेंस बता रहा है, यानी कि 100K का बैलेंस है यहाँ भी, डेट इज इक्विटी में भी 100K का बैलेंस बता रहा है एंड फ्री फंड है, मैंने अभी कोई भी ट्रेड नहीं लिया है, एंड फिर भी अगर भी अभी भी मैंने स्टिल मैंने यहाँ पे क्या है, डेट इज मेरा जीरो ट्रेड है, स्टिल क्या है, डेट इज जीरो ट्रेड है। बट आपको यहाँ पे देख के बहुत ही ज्यादा डेट इज आप यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा या सरप्राइज हो जाओगे कि बिना ट्रेड किए भी हमारा रैंक बहुत खराब नहीं है, आउट ऑफ 25 टू 26,000 पीपल हमारा रैंक बहुत खराब नहीं है, जबकि हमने यहाँ पे एक भी ट्रेड नहीं लिया है।
तो इसका मतलब ये बताता है कि आप लोगों को यहाँ पे अननेसेसरी का ट्रेड नहीं करना है। अगर आपको कंपटीशन जीतना है तो आपको यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, सही नंबर ऑफ ट्रेड्स मारने पड़ेंगे, सही नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे, आपको विनिंग रेशियो हाई रखना है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ इसके दैट इज ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर, दैट इज फंडिंग पिप के ऊपर, फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि अभी करंटली रीडिंग देखिए हम लोग का रैंक जो चल रहा है वो 6000 समथिंग का रैंक चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 6000 का रैंक आप लोग यहाँ पे दिख रहा है ये विदाउट ट्रेडिंग किया हुआ है, नॉट नॉट इवन अ सिंगल ट्रेड, दैट इज जीरो ट्रेड में भी अभी हम 25000 पीपल से में से लगभग 6700 लोग से आगे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे अननेसेसरी के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। ये जो लोग हैं जो भी फर्स्ट प्राइस पे, सेकंड प्राइस पे एंड थर्ड पोजीशन पे चल रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्रेड्स हैं, इन्होंने 35 ट्रेड्स लिया है, विनिंग रेशियो इनका 71% का है, प्रॉफिट यहाँ पे है एंड गेन परसेंटेज भी बता रहा है, ठीक है। देन सेकंड पे 26 ट्रेड्स है, विनिंग रेशियो 62 है, देन 18, देन विनिंग रेशियो इज 83 एंड उनका प्रॉफिट भी अच्छा खासा यहाँ पे दिख रहा है। तो ठीक है, अगर हम भी यहाँ पे आने का कोशिश करेंगे, मैं भी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, मंडे अब एसोसिएशन ओपन होने वाला है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मैंने मुझे जो समझाना था मैंने हर एक चीज को समझा दिया। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि मैक्स लॉसेस मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि मैक्स लॉसेस कितना होगा, डेली लॉस कितना रख सकते हो, ठीक है, डेली का लॉस 5%, ओवरऑल लॉस दैट इज 10%, उसके बाद आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा, डेट इज एलिमिनेट कर दिया जाएगा या फिर सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर आप इसे ब्रीच करते हो तो, ठीक है। ये सारा चीज आपको यहाँ पे देखने को ही मिलेगा। तो अगर आपको इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।